हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, न्यू प्रैक्टिस सेट का यह 18वां पार्ट है। जैसा कि मैं एमपी वर्ग 2 एंड वर्ग 3 एंड यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एलटी ग्रेड बीपीएससी टीआरई 4 सभी के लिए मैं प्रैक्टिस डेली बेसिस से करा रही हूँ, और थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का, सभी टॉपिक का थ्योरी सेशन अच्छे ढंग से हल कराया गया है। दोस्तों, डेली बेसिस से मेरे साथ बने रहिए। जिस भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो आप सब कमेंट करते हैं, तो उसका मैं डाउट क्लियर जो है अगले वीडियो में कर देती हूँ। जैसे 17वां पार्ट का एक क्वेश्चन था कि किसने ओलंपिक में चौथा स्थान प्राप्त किया है, तो दोस्तों उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दिया था। ओनली मिल्खा सिंह को मैंने बताया था, जबकि चौथा स्थान प्राप्त किया था मिल्खा सिंह एमपीटी उषा दोनों ने। मिल्खा सिंह 1960 रोम ओलंपिक में चौथा स्थान 400 मीटर दौड़ में प्राप्त किया था 45.60 सेकेंड हासिल करके, जबकि पीटी उषा जो है 1984 लॉस एंजल्स अमेरिका में 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त करके फाइनल के लिए क्वालिफाई की थी। ठीक है, तो दोनों हैं। और जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि ओलंपिक में एथलेटिक्स में किसने क्वालिफाई किया था, तो तीन लोग थे, एक मिल्खा सिंह, पीटी उषा और श्रीराम सिंह, जो सातवां स्थान प्राप्त किए थे 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, और चौथा स्थान प्राप्त करने वाले में पीटी उषा एंड मिल्खा सिंह हैं। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं अगले वीडियो में उसको कन्फर्म करती जाऊँगी। दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए, चलते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, विच ऑफ द हाइएस्ट अवार्ड इन वर्ल्ड स्पोर्ट्स। दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा अवार्ड है ओलंपिक अवार्ड। विश्व खेलों में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वह है ओलंपिक अवार्ड। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी उसी में मैं करूँगी, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम विजेता रही है, वह है द यंगेस्ट फीमेल टेनिस प्लेयर टू हैव वन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल। तो दोस्तों, आप सबको पता है वो है मार्टिना हिंगिस। कौन है? मार्टिना हिंगिस, जो 1996 में ग्रैंड स्लैम विजेता बनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वह टेनिस में होता है, जो टेनिस के एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट के जीतने वाला होता है, और प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में, हार्ड कोर्ट पर फ्रेंच ओपन मई जून में, क्ले कोर्ट पर विंबलडन ओपन जून जुलाई में, ग्रास कोर्ट पर यूएस ओपन अगस्त सितंबर में, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यानी कि आपका जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है वो है आपका इंग्लैंड विंबलडन, जो 1877 से प्रारंभ हुआ। सबसे पुराना और टेनिस का सर्वश्रेष्ठ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन, जो 1877 से प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रारंभ हुआ यूएस ओपन 1881 में अमेरिका, फिर आरंभ हुआ फ्रेंच ओपन 1891 में, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। लेकिन आयोजित कैसे होता है उसका सीरियल नंबर है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी के मध्य में, फ्रेंच ओपन मई जून में, विंबलडन ओपन जून जुलाई में, यूएस ओपन अगस्त सितंबर में। इसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले या मिट्टी की बजरी की कोर्ट पे, और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आप टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, कि प्रथम दिन, नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आरंभ होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, जनवरी के मध्य में, मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। क्वेश्चन नंबर
4 है, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था, द फर्स्ट इंडियन मैन हु स्वान अक्रॉस द इंग्लिश चैनल वाज। तो दोस्तों आप सबको पता है वो कौन है, सही आंसर आपने टिक कर दिया होगा, वो है मिहिर सेन। पुरुषों में पूछेगा तो मिहिर सेन और महिलाओं में पूछेगा तो आरती साहा। मिहिर सेन जो है प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था 1958 में, जबकि महिलाओं में है आरती साहा जो प्रथम भारतीय महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था 1959 में। ठीक है, पुरुषों में मिहिर सेन 1958 में तैर कर पार किए थे और आरती साहा महिलाओं में 1959 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, IAAF का पूरा नाम है। तो दोस्तों IAAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन इसका पूरा नाम है, जिसकी स्थापना 1912 में हुआ था। इसका मुख्यालय 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन था, लेकिन 1993 से मोनाको हो गया है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर WA यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया है, 2019 में इसका नाम बदला गया है। जबकि भारतीय IAAF जो है यानी कि इंडियन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 बेंगलोर में हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों राउंड रॉबिन प्रतियोगिता को लीग टूर्नामेंट भी कहा जाता है और इसको बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है सर्बिया भाषा में, और जानी बर्गर ने इसका खोज किया था। जानी बर्गर सर्बिया के शतरंज खिलाड़ी थे। और लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में एक बार जो टीम मैच क्या होता है कि इसमें प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है। और ये दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। सिंगल लीग में प्रत्येक टीम टूर्नामेंट में मौजूद प्रत्येक टीम के साथ एक बार खेलती है, जबकि डबल लीग में प्रत्येक टीम को अन्य सभी टीमों के साथ दो दो बार खेलना पड़ता है, दो दो मैच। तो सिंगल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है यन यन माइनस वन अपान टू, जबकि डबल लीग में मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है यन यन माइनस वन। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेम द स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज फर्स्ट अवार्डेड विद पद्मश्री अवार्ड। तो दोस्तों वो कौन है जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, तो वो है मिल्खा सिंह। कौन है? मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। इनको मिल्खा सिंह को 1959 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्मश्री सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, याद है आप सबको। एंड जबकि पीटी उषा को 1984 में पद्मश्री मिला, जीएस रंधावा को 2005 में और वीएस चौहान को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं के दौरान विस्तृत क्षेत्र गतिविधियों से अनाश्रित कराना चाहिए। दोस्तों चिल्ड्रेन शुड बी एक्सपोज टू वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पे राइट आंसर बाल्यावस्था यौवनावस्था हो जाएगा, यानी कि चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे ही बाल्यावस्था से यौवनावस्था में वो बच्चा जाता है तो उसमें सारे की उससे बहुत सारे चेंजेस आती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और जिसको बच्चों को गतिविधियों से अवगत कराना जरूरी होता है। जो बाल्यावस्था होता है उसको 3 भागों में, जैसे कि हमारा जो शारीरिक अवस्थाएं हैं, स्टेज हैं, गर्भावस्था प्री नेटल जन्म से पूर्व अवस्था, एंड दूसरा है शिशु अवस्था यानी इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष, और तीसरा है बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो 3 से
13-14 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें से बाल्यावस्था चाइल्डहुड को तीन भागों में बांटा गया है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 3 से 6 वर्ष है, मध्य चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड जो 7 से 8 वर्ष है, अंतिम बाल्यावस्था यानी लेटरल चाइल्डहुड जिसे हम प्यूबर्टी या प्री एडोलेसेंस कहते हैं, प्री किशोर अवस्था जिसे हम यौनावस्था भी कहेंगे, तो 9 से 13, 14 या 12-13 की अवस्था। तो ये अवस्था ऐसी होती है, यहाँ पे यौनावस्था का मतलब है प्यूबर्टी। तो ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जिसको उन गतिविधियों को उस बच्चों को अवगत कराना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेस दौड़ों का संबंध है, पेस रनिंग इज रिलेटेड। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं 100, 200, 400 मीटर जो दौड़ होती है वो स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत आता है, 100, 200, 400 मीटर दौड़। जबकि पेस दौड़ में आपका 800-1500 दौड़ आता है, जिसमें जिसको हम पेस रेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी यानी समरूपता जो स्पीड स्टार्टिंग में होती है वही स्पीड लगभग पूरी फिनिशिंग के समय रहती है, यानी कि एक समान गति से दौड़ना। यानी पेस दौड़ों में एथलीट अपनी अधिकतम गति को लंबी अवधि तक बनाए रखने की योग्यता या क्षमता का विकास करता है। दोस्तों लंबी अवधि आते ही आप जानेंगे एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों को यह गति क्षमता उनकी आयु, उनकी योग्यता, शक्ति, सहन क्षमता पर आधारित रहती है। साधारणतः किशोर अवस्था के खिलाड़ी अपनी अधिकतम गति 10 से 15 मील तक बनाए रख सकता है। इसके विपरीत एक प्रशिक्षित एथलीट लगभग 35 मील से ऊपर अपनी गति बनाए रख सकता है। पेस दौड़े जो है वह मुख्य रूप से खिलाड़ियों की सहन शक्ति यानी कि एंड्योरेंस यानी दमखम पर को बढ़ाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका दमखम यानी कि स्टेमिना यानी कि एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है, व्हाट इज द ट्रेट ऑफ ए इफेक्टिव डिसीजन मेकर। तो दोस्तों कोई भी प्रभावशाली निर्णय तब कर सकता है जब उसको उस सभी चीजों का नियमों का ज्ञान होगा तभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम किस रूप में जानते हैं। तो दोस्तों हम उसके अधिगम यानी सीखना लर्निंग के रूप में जानते हैं, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन और अनुभव के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उसे हम अधिगम कहते हैं, ये गेट्स का परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइको का अर्थ है, साइको मीन्स। तो साइको जो है ये साइकोलॉजी की बात कर रहा है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकोलॉजिया से हुई है, मनोविज्ञान का साइकोलॉजी दो ग्रीक भाषा साइके प्लस लोगोस से मिलने से बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अतः शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। जैसा कि आप सब जानते हैं जो आपका मनोविज्ञान है उसको पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। आत्मा का विज्ञान दोस्तों यहाँ पे साइको का अर्थ आत्मा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सोल आपका राइट होगा। तो आत्मा का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट ने 16वीं शताब्दी में। फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा पोइम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में। फिर चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स ने कहा। फिर व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ, स्नीकर, स्किनर, थॉर्नडाइक, मैकडूगल ने कहा। इसको निश्चित शुद्ध मनोविज्ञान कहा वाटसन ने, मनोविज्ञान के पिता यानी प्रायोगिक मनोविज्ञान, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के पिता हैं विलियम उंट, आधुनिक मनोविज्ञान के पिता हैं विलियम जेम्स, खेल मनोविज्ञान के पिता कोलमैन ग्रिफिथ, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थॉर्नडाइक, व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन, कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम उंट ने 1789 में जर्मनी के लीपजिग शहर में बनाया, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक प्रकाशित किया 1890 में विलियम जेम्स ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रेडरिक लुडविक जॉर्न ने जर्मनी के किस प्रकार की जिम्नास्टिक की शुरुआत की थी। तो विच टाइप ऑफ जिम्नास्टिक वाज इंट्रोडक्ट इन जर्मनी बाई
फ्रेडरिक लुडविक जान। तो दोस्तों फ्रेडरिक लुडविक जान जो है इन्होंने देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत की, देशभक्ति जिम्नास्टिक की शुरुआत की, इन्होंने जिम्नास्टिक की शुरुआत देशभक्ति जिम्नास्टिक के रूप में की। लुडविक का यह विश्वास था कि शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय शक्ति और स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। फ्रेडरिक लुडविक जान जो है पहले व्यक्ति थे जो शारीरिक शिक्षा को जर्मन जाति में राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने दोस्तों 1810 ईस्वी में बर्लिन के प्लेमान की पाठशाला तथा ग्रियू क्लोस्टर में अध्यापन का कार्य करते थे। 1811 ईस्वी में एक आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेकर ये व्यायामशाला क्षेत्र बनाए जिसे टर्नप्लाज्म या टर्नवेरियन कहा गया, जिसे हम हिंदी में व्यायामशाला कहते हैं, जो 1812 में संपूर्ण जर्मनी में फेमस हो गया। जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह गर्ट्स मर्स को बोला जाता है, याद रखिएगा। और जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के पितामह जान बर्नार्ड बेस्टो को कहा जाता है। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है, तो फ्रेडरिक लुडविक जान को। सब में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया यानी कि जो श्वास नली होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर यानी कि 4 इंच। ट्रकिया वायु नली यानी श्वास नली होती है जो फेफड़ों में से वायु के आदान प्रदान में सहायक होती है। यह मुख के अंदर वाक कोश यानी कंठ यानी कि लैरिंग्स के नीचे से प्रारंभ होकर फेफड़ों के बीच में स्थान में दो भागों में बंटकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरुषों के डिस्कस का वजन कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑफ मेंस डिस्कस? डिस्कस यानी कि जो चक्का फेंक होता है वो पुरुषों के लिए कितना होता है? तो चक्का फेंक पुरुषों के लिए 2 केजी और महिलाओं के लिए 1 केजी होता है। यहाँ पे 2 केजी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जबकि जो शॉर्ट पुट होता है गोला फेंक पुरुषों के लिए 7.26 केजी और महिलाओं के लिए 4 केजी होता है। और उतना ही होता है आपका शॉर्ट पुट के इतना ही आपका जो चक्का ये होता है आपका नाम नहीं यार हैमर थ्रो, हैमर थ्रो वो भी सेम वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, इन सिंपल लैंग्वेज एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप सबको पता है फिजिकल एजुकेशन का एम यानी उद्देश्य होता है शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक विकास यानी कि फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल सोशल सभी प्रकार के व्यक्तित्व यानी सर्वांगीण विकास करना। तो बहुमुखी व्यक्तित्व विकास ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप उबेर कप टूर्नामेंट आयोजित होता है? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बैडमिंटन जो है थॉमस कप पुरुष के लिए है और उबेर कप महिला के लिए टूर्नामेंट है। और जो थॉमस कप है वह 1948-49 से खेला जा रहा है और पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए टूर्नामेंट है 1956-57 से उबेर कप जो प्रत्येक तीसरे वर्ष होती है। ठीक है, तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद आयोजित होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है, द बेस्ट सोर्स ऑफ स्टार्च। दोस्तों स्टार्च जो है वो आपका जटिल शर्करा जटिल कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप जानते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है जो मानव भोजन का आवश्यक अंग है। इसका मुख्य स्रोत सीरियल्स यानी चावल गेहूं मक्का और जड़ी सब्जियां जैसे आलू कसावा आदि हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 2 भागों में सरल शर्करा जटिल शर्करा यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वैसे इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड्स होता है। मोनोसैकेराइड्स जो होता है और डाइसैकेराइड ये सरल शर्करा होती है जो आपके पाचन में आसान होते हैं। और जो मोनोसैकेराइड्स होता है वो ग्लूकोज या शर्करा के 1 अणु से मिलकर बना होता है जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज आता है। और डाइसैकेराइड जो है शर्करा यानी ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होता है जिसमें माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज आता है। और जो जटिल शर्करा कॉम्प्लेक्स
शुगर होती है जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स, जिसके अंतर्गत आता है पॉलीसैकेराइड्स शर्करा के दो से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन आता है। ग्लाइकोजन के अंतर्गत ऊर्जा प्रदान करने के लिए न्यूनतम इकाई ग्लूकोज में टूटना पड़ता है। स्टार्च पौधों में संचित भोज्य पदार्थों जैसे कि गेहूँ, चावल, आलू आदि में पाया जाता है। सेलुलोज जो है प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैटिन जो है कीटों तथा मच्छरों के पंख, काकरोच के पंख तथा पैर और घोंघा के कवच पाया जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च का सबसे बढ़िया स्रोत है आपका गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हैं, तो जिसमें गेहूँ आपका सबसे बढ़िया स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 110 मीटर की दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्न में से कम कितनी होती है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ जो है 100 मीटर महिलाओं के लिए, 110 मीटर पुरुषों के लिए और 400 मीटर महिला पुरुष दोनों के लिए होता है, जिसमें से 110 मीटर पुरुषों के लिए जो बाधा की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर होती है, 1.067 मीटर, और 100 मीटर महिला के लिए ऊंचाई होती है 0.84 मीटर, और 400 मीटर पुरुष के लिए ऊंचाई होती है 0.914 मीटर, एंड 400 मीटर महिला के लिए होता है 0.762 मीटर। बाधा दौड़ वाली वीडियो को आप देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों आपके देखना है, जहाँ विदेश वाला बात आएगा उसको कट दीजिए, जैसे कि वॉलीबॉल आ रहा है, खो खो तो भारत में हुआ है बट यहाँ वॉलीबॉल विदेश में हुआ था, इसको कट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि स्नूकर, बैडमिंटन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, स्नूकर और बैडमिंटन जो है भारत में प्रारंभ किया गया है। स्नूकर, बैडमिंटन, चेस, लूडो, प्लेइंग कार्ड, कबड्डी, कैरम आदि इन अंतर्राष्ट्रीय खेलों का प्रारंभ जो है भारत से माना जाता है। तो यहाँ पे स्नूकर और बैडमिंटन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीरियस, अर्लियस, फोर्टियस से तात्पर्य है, सीरियस, अर्लियस, फोर्टियस से तात्पर्य है। तो अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि दोस्तों जो ओलंपिक मोटो है वो फादर हेनरी डिडान ने, जो पियर डी कुबर्टिन के दोस्त थे, ने इसको नाम दिया ओलंपिक मोटो आदर्शवाद, जिसको आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 1924 में, याद रखिएगा। और आदर्शवाद उन्होंने सीरियस, अर्लियस, फोर्टियस दिया था, लेकिन अब चौथा शब्द जुड़ गया है जिसे टू कम्युनिटर कहते हैं, तो अब इसको बोला जाएगा सीरियस, अर्लियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, जिसका अर्थ होगा फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी और तेज, और ऊंचा, और बलशाली एक साथ। तो यहाँ पे सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस से तात्पर्य है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। सीटियस का अर्थ होगा और तेज, अल्टियस का और ऊंचा, फोर्टियस का और बलशाली, और जिसमें से कम्युनिटर का शब्द, कम्युनिटर शब्द का अर्थ होगा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टीपल चेज में जल जंपों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो स्टीपल चेज यानी कि पानी बाधा दौड़ होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्टीपल चेज दौड़ 3000 मीटर की होती है। यह लंबी दूरी की दौड़ है, इसमें 28 बाधा हर्डल जंप और 7 पानी यानी कि जल, वाटर जंप होते हैं, कुल 35 बाधा होती हैं। तो यहाँ पर जल जंपों की संख्या पूछा है, तो 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव मनोविज्ञान किसके अध्ययन तक सीमित होता है? तो दोस्तों पहले इसको आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो व्यवहार जो है आचरण, मनोवृत्ति यानी कि बिहेवियर और एप्टीट्यूड, इन दोनों के अंतर्गत, ए और बी दोनों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में मानव मनोविज्ञान आचरण और मनोवृत्ति यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वो होता है, द रिस्पॉन्स विद द लर्नड एट हायर लेवल इज। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं या प्रत्युत्तर जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है।
जैसा कि आप जानते हैं जो पावलोव थे उन्होंने सीखने के सिद्धांत में प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी इन्होंने दिया है, जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने अनुबंध द्वारा सीखना भी का बताया है। उन्होंने कहा है कि प्राणी व्यर्थ की कोई अनुक्रिया नहीं करता बल्कि स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। प्रत्येक प्राणी की कुछ जन्मजात प्राकृतिक क्रियाएँ या अनुक्रियाएँ होती हैं जिन्हें स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। जब कोई उद्दीपन प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब प्राणी उस उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया ही करता है जिसे हम स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुक्रिया कहते हैं, जैसे भोजन और लार। जब हम भोजन, कोई व्यक्ति भोजन देखता है तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है, यह स्वाभाविक या प्राकृतिक क्रिया है। स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुक्रिया का अनुकूलन किसी अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ कराया जाता है। जैसे कि हम ये कुत्ते को भोजन दिखाए तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, ठीक है। तो कुत्ते के मुंह से भोजन जो है स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक है और उससे जो लार टपक रहा है स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन भोजन देने के पहले उन्होंने घंटी बजाया, जब जब भोजन दिया तब तब घंटी भी बजाया साथ में, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटी बजाना अस्वाभाविक है। लेकिन क्या हुआ, वो कुत्ता जो है वो घंटी और भोजन के साथ अभ्यस्त हो जाता है। जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को प्राणी के समक्ष स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी की स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन उसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो जाती है, जैसे कि उस घंटी के प्रति कुत्ते का हो गया था। तो पहले भोजन दिया गया तो कुत्ते से लार टपका तो उसको मापा गया, फिर बार बार भोजन बार बार ऐसा करने से भोजन के साथ घंटी भी बजाया गया तो बार बार ऐसा करने से लार के आने की जो क्रिया अनुबंधन घंटी के प्रति हो गई थी। फिर घंटी बजाया गया बिना भोजन दिए, भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाया गया तो घंटी को सुनकर कुत्ते के मुंह से लार टपक गया और उसको नापा गया तो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया, ठीक है, जो वो अनैच्छिक था। इस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया लार को बार बार मापा गया, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुकूलन हो रहा है। इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी जब घंटी के प्रति लार आने की क्रिया का अनुकूलन जो है अनुबंधन हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका घंटी बजाई गई तो कुत्ते के मुँह से लार आ गया तो वह एक प्रकार का अनैच्छिक क्रिया हुई। भोजन देख के लार आया, बार बार घंटी के बजा करके भोजन दिया गया, एक बार बिना घंटी बिना भोजन का घंटी बजाया गया तो भी हुआ, तो वो कुछ कुत्ते की इच्छा पर निर्भर नहीं कर रहा है, वो उस घंटी की आवाज़ से अभ्यस्त हो गया, उसका अनुकूलन हो गया उसके साथ, ये अनैच्छिक क्रिया हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम टेबल इन फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, समय सारणी बनाते समय विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, उपकरण की कितना उपलब्धता है, वातावरण कैसा है, ये सभी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक समय सारणी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, खेल भावना जैसा नैतिक मूल्य खिलाड़ी किससे ग्रहण करता है। तो दोस्तों, वह शिक्षक और प्रशिक्षक, कोच से, टीचर एंड कोचेज से ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो वह है आपका रेडियो टेलीमेट्री। यहाँ पे स्पायरोमीटर का प्रयोग फेफड़ों की क्षमता, सांस लेने की क्षमता का मापन किया जाता है, स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर, और स्टेथोस्कोप जो है आपके हृदय धड़कन को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, टर्नवेनियन आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो आप सबको पता है उन्होंने एक व्यायामशाला चलाया था, टर्नवेनियन आंदोलन, जिसमें सारे शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर लाया था, वो है फेडविक लुडविक जान। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक ध्वज में शामिल है। तो ओलंपिक ध्वज कैसा होता है दोस्तों, आप सबको पता है, बिना किनारे वाली सफ़ेद पृष्ठभूमि और बीच में ओलंपिक प्रतीक चिन्ह, जिसमें 5 छल्ले होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। जो नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक, जो 5 महाद्वीप को प्रतीक हैं और दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। और इस
ओलंपिक ध्वज को 1913 में बैरन पियर डी कुबर्टिन ने बनाया था। इसको सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, मिलान कीजिए यहाँ पे डेविस कप, डेविस इस और टेनिस इस दोनों का साउंड मिल रहा है, तो डेविस कप आपका हो जाएगा। डेविस कप किससे हो जाएगा? टेनिस से। तो यहाँ ए बी सी डी कर लेते हैं, तो ए का कौन हो जाएगा? वन। और बी सी गुप्ता ट्रॉफी, जैसे कि मैंने बताया बी सी राय ट्रॉफी फुटबॉल से, बी सी गुप्ता होगा तो आपको बास्केटबॉल से हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा थ्री। सी के नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से, तो सी का हो जाएगा फोर। उबेर कप महिला बैडमिंटन से है, तो आपका डी का हो जाएगा वन, डी का हो जाएगा टू। ठीक, तो वन थ्री फोर टू, वन थ्री फोर टू किस में है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था, याद रखिएगा। विच ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग, अपने आप सीखने का बेस्ट विधि है प्रेक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशनल विधि। ऑब्जर्वेशनल विधि दोस्तों सबसे बेस्ट विधि होती है अपने आप सीखने का। जैसे कि बालक या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर, मतलब ऑब्जर्वेशन करके उनके कौशलों को आसानी से अपना लेता है। इस विधि में व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट या असंगठित सामग्रियां दी जाती हैं और व्यक्ति को उनका वर्णन करना होता है, जिसमें वे प्रायः अपने सामाजिक अभिप्रेरकों की अभिव्यक्ति अचेतन रूप से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी बालक के किशोरावस्था के दौरान निम्न परिवर्तन आते हैं, वह परिवर्तन बताए जिससे द्वितीयक लैंगिक विशेषता के रूप में चिन्हित किया गया है। वह होता है मूछें आना, यौनांग के आसपास बालों का आना। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यक्तियों के शरीर के किस्म या कार्य किस्म को किसने तीन श्रेणियों में अर्थात एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ में वर्गीकृत किया? तो आप सबको पता है उन्होंने शेल्डन ने किया, जबकि क्रेसमर ने क्या किया था? क्रेसमर ने पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डायस्प्लास्टिक चार भागों में बांटा है, और शेल्डन ने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक में बांटा है। तो शेल्डन ने क्रेसमर में पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक, तो पिकनिक की जो विशेषता होती है वही शेल्डन के एंडोमोर्फिक की विशेषता है, जो एथलेटिक क्रेसमर की विशेषता है वही विशेषता शेल्डन के मेसोमोर्फिक का है, जो अस्थेनिक लंबेकार शरीर क्रेसमर के बॉडी टाइप का विशेषता है वही विशेषता एक्टोमोर्फिक शेल्डन का है। तो याद रखिएगा, मैंने इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो इन्होंने एंडो, मेसो, एक्टो तीन भागों में बांटा। एंडोमोर्फ जिसे हम बिस्रोटोनिक के नाम से जानते हैं, गोलकाय शरीर। मेसोमोर्फ जिसे हम सोमैटोटोनिक के नाम से जानते हैं, सुडोलकाय स्वरूप, पेशी प्रधान संरचना। और तीसरा है एक्टोमोर्फिक लंबकाय शरीर, जो सेरिब्रोटोनिक के नाम, प्रोमस्तिष्क प्रधान के नाम से जाना जाता है। एंडोमोर्फिक जो शरीर मोटा व कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति, आराम तलब, विनोद प्रिय, मिलनसार होता है, और यह अक्सर जो जिसका संबंध ताकत स्ट्रेंथ से होती है उसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं एंडोमोर्फिक बॉडी वाले, जैसे पावर लिफ्टिंग, गोला फेंक, तसरी फेंक, सुमो कुश्ती आदि, ये स्पीड एजिलिटी वाले में अच्छा नहीं होती। दूसरा है पेशी प्रधान संरचना यानी मेसोमोर्फिक, जिसे हम सोमैटोटोनिक के नाम से भी जानते हैं। ये इसमें जो है पेशी प्रधान संरचना, मजबूत बॉडी होता है, अस्थि पंजर और पेशियाँ विकसित होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा, वजन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निरल, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति, कठिनाई से अधिक सक्रिय होता है, ये ताकत, चपलता तथा चाल से संबंधित खेलों के लिए अच्छे होते हैं। तीसरा होता है अस्थि प्रधान संरचना, जो कि बोन के बारे में ज़्यादा बात होगा तो अस्थि प्रधान संरचना एक्टोमोर्फिक होगा, लंबकाय बॉडी जिसको सेरेब्रोटोनिक या प्रमस्तिष्क प्रधान बोलते हैं, ये लंबा, दुबला, कमजोर और सुंदर होता है, जो एकांत भी असामाजिक, अंतर्मुखी होता है, और इसमें सहनशीलता वाले, एंडोरेंस वाले खेलों और जिम्नास्टिक में ज़्यादा अच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोबिक एक्टिविटी? तो जैसा कि दोस्तों एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया, अनएरोबिक यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो अनएरोबिक होता है वो स्ट्रेंथ वाले, ज़्यादा स्पीड वाले, हाई इंटेंसिटी वाले में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य होता है, जबकि एरोबिक में जो होता है सहनशीलता वाले, ऑक्सीजन के साथ जो क्रियाएँ होती हैं
लंबे समय तक क्रियाएं वो होती हैं। तो एरोबिक का अर्थ होता है ऑक्सीजन के साथ। एरोबिक क्रियाओं में हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर की ऑक्सीजन प्रयोग क्षमता कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर निर्भर करती है, यानी हृदय और फेफड़ों के क्षमता पर। फेफड़े हृदय और रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। लंबी अवधि के व्यायाम में मांसपेशियों को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन पुष्टि के विकास के लिए साइकिलिंग, जॉगिंग, क्रमबद्ध व्यायाम, कैलिस्थेनिक आदि एरोबिक क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पे जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलिस्थेनिक है, बट परिधि प्रशिक्षण यानी कि सर्किट ट्रेनिंग नहीं है, ये अनएरोबिक में है। क्वेश्चन नंबर 35 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि चोट लगने पर रक्त स्त्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो विच एलिमेंट हेल्प्स द स्टॉपिंग ब्लीडिंग एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड वेन एंड इंजरी ऑक्योर्स। तो दोस्तों आप सबको पता है, वो है आपका थ्रोम्बोसाइड्स यानी कि प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइड यानी कि RBC को एथ्रोसाइट, WBC को हम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, वो रक्त को थक्का जमाने में कटने के बाद मदद करता है। जैसे कि इसमें रक्त का ब्लड क्लोटिंग का जो अधिकतम समय है 4 मिनट में ब्लड क्लोटिंग यानी कि जमा हो जाता है। क्या होता है कि इसके 4 प्रोसेस होते हैं जिसको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। जब भी हम कटते हैं तो वायु के संपर्क में आते ही जो प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। फिर दूसरा अवस्था में थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर कैल्शियम से मिलकर सोए हुए प्रोथ्रोम्बिन जो यकृत में होता है उसको जगाता है, वही जब जगता है तो थ्रोम्बिन बन जाता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है कि थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन को उठाकर, अर्थात थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन से मिलकर रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप फाइब्रिन नामक एक नया जाल बनाता है, और यही फाइब्रिन क्षतिग्रस्त उत्तकों को रक्त में जमने में सहायता करता है। फिर चौथी अवस्था होती है, फाइब्रिन की रचना एक जाल के समान होती है। फाइब्रिन के सूत्र जो आपस में मिलकर जाल बनाते हैं और धीरे धीरे संकुचित होते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित जल का अंश जो है वो सूखता चला जाता है और फाइब्रिन में फंसता चला जाता है। और इस जाल में पीछे से आने वाली रक्त कणिकाएँ, RBC, WBC, सभी चीज़ें फंसती चली जाती हैं और जाल संकुचित होते हुए कड़ोसा होने लगता है। उस अवस्था में पहुंचते पहुंचते कटा हुआ घाव या चोट थक्के का रूप धारण कर लेता है और सीरम अलग हो जाता है, और बाद में कटे हुए स्थान पर रक्त का थक्का बनकर क्षतिग्रस्त स्थान को पूरी तरह से सील कर देता है। इस प्रकार रक्त जमने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आपको याद रखना है कि रक्त क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त के थक्का जमाने में, अगर रुधिराणुओं की ब्लड सेल्स की बात करेगा तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स है, और ब्लड प्रोटीन की बात करेगा तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है जिसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, और किसी तत्व यानी कि मिनरल्स की बात करेगा तो कैल्शियम है जो रक्त थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन की बात करेगा तो विटामिन के है। दोस्तों एक चीज़ होता है हमारे बॉडी में हेपरिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता, तरल अवस्था में बनाकर रखता है, यह शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। हेपरिन हवा के संपर्क में आने पर प्रभावहीन हो जाता है और जो अन्य तत्व होते हैं रक्त को जमाने वाले वो सब एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है, जो ऐसा बीमारी है जिसमें हेपरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी एक्टिव रहता है और कटने के बाद भी नहीं जमने देता है ब्लड को, और ब्लड रुकता ही नहीं है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। यह जो शुरुआत हुआ था इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन तीनों का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। एक होता है विटामिन के की कमी से हैमरेज। यदि रक्त शरीर के अंदर ही जम जाए, अर्थात शरीर के नस में ही जम गया हो, तो नस फटने लगता है, अर्थात पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड और उस हमारा ब्लड प्रेशर 180 जाने का और 80 आने का होता है और मार के फाड़ देगा, और उसको और उसी नस को फट जाने को हम हैमरेज कहते हैं। हैमरेज के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। ये अक्सर ब्रेन में ही होता है क्योंकि ब्रेन की जो नसें होती हैं बहुत पतली होती हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 35 क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।